ये अमर शहीद अजय जी की धर्मपत्नी है और ऐसे मौके में तो हम कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बेला होता है, उस बेले में कोई बोल नहीं पाता है, लेकिन दस्तूर है और चीज़ें बाहर आनी चाहिए, इसीलिए मैं इनसे मुखातिब हूँ। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? करिश्मा। करिश्मा जी, कब, कितने दिन पहले की घटना है ये? परसों। ये नन्हा बालक छोटा अजय है जिसको आप देख रहे हैं, दो बच्चे हैं अजय की, एक छोटा अभी गोद में है बेचारा, अभी तक से कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या हो गया है, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा है जो अभी कहीं खेलने गया है। तो कब गए थे यहाँ से वो घर से? सर 10-11 जून को निकले। 11 जून को निकले थे, बातें होती थी जी, उस दिन भी बात हुई जी, 9:45 रात में वीडियो कॉल हुआ, बताया कि सब अच्छा है जी। वो कहीं को दिक्कत उक्कत नहीं बता रहे थे कि हम ड्यूटी में है, परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं बता रहे। क्या नाम है इसका, छोटे का क्या नाम रखे? शिवांश। शिवांश है, और इस शिवांश नहीं है, अजांश है, अजय का अंश है, और अजय ने जो लकीर खींची है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस लकीर में अभी इस माटी के कई जुआ आगे बढ़ेंगे और कई अजय आपको देखने को मिलेगा। देश के ऊपर मरने के लिए, देश के लिए मरने की किस्मत सभी की नहीं होती, हम और आप फौज में नहीं जा पाए, तो ये दुख तो है एक साथी जाने का, लेकिन वो साथी देश के लिए गया है, वो साथी अपनी मिट्टी के लिए गया है, अपनी मातृभूमि के लिए गया है, अपनी भारत माता के समर्पित हुआ है। ईश्वर ने उसको बुला लिया आपसे, हम सभी दुखी हैं, लेकिन आपको गर्व करना चाहिए, आपके बच्चों को भी गर्व करना है कि आपका जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, वो देश के लिए कुर्बान गया है, आपका माथा ऊपर उठा करके गया है वो। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन का ये दायित्व है, सरकारों का ये दायित्व है कि नौनिहालों का चेहरा देखे, और इन नौनिहालों का कैसे परवरिश होगा, कैसे ही आगे जा कर के जीवन के इस पथ में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये ड्यूटी सरकार की है, न सिर्फ केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकार की भी, और ये ड्यूटी है यहाँ के सांसद की, यहाँ के विधायक की, और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि की, कि वो अजय के लिए एक आदमकद प्रतिमा का निर्माण करे इस प्रखंड में, और यहाँ पे अजय के नाम से एक बड़ा गेट लगे, ताकि यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान उस गेट को जब देखे तो उसे महसूस हो कि ये हमारा अजय था, और हमें इसी अजय के रास्ते पे आगे बढ़ना होगा, और कई अजय इस पवित्र भूमि से पैदा होंगे, मुझे एहसास है, मालूम है। हम आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते। क्या आपने नाम बताया? करिश्मा। करिश्मा जी, और आप धैर्य रखें, ईश्वर ने अगर अजय को बुलाया है तो वो सोच के बुलाया है, अच्छे लोगों को ईश्वर बुला लेते हैं, और आप अपने जो दो लाल है, अजय जो छोड़ करके अमानत गया है आपके लिए, आप उसकी परवरिश में मन लगाएंगी, और दो और अजय आपको छोड़ करके अजय ने गया है, मैं तो यही कहूँगा, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती और कभी होती भी नहीं है, लेकिन आना जाना इस जीवन से सभी का लगा रहता है, हम सभी जाएंगे, लेकिन अजय जिस अंदाज में गया वो किस्मत हम सभी की नहीं है, हम तो यही कहेंगे। ठीक है करिश्मा जी, और यहाँ पे अजय के फादर भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा? नाम है राजू रे। आपके छोटे सुपुत्र अजय थे, छोटा पुत्र। कितने दिन पहले नौकरी लगी थी उसके? 16 में लगे थे, 2016। अजय अक्सर आता होगा छुट्टी उट्टी में, बातें आपसे होती होगी फोन पर, बराबर फोन पर भी बात होता था। कैसा था अजय? लोग तो बोल रहे हैं बहुत मृदुभाषी था, बहुत व्यवहारिक था, एक बात की नजर में आपका बेटा कैसा था? अच्छा लड़का था जी। अजय के जाने का गम तो होगा, लेकिन क्या है सो तो हम समझ रहे हैं। बिल्कुल, एक बाप के सामने अगर उसके बेटे की विदाई हो तो मैं समझता हूँ कि जीवन में उससे ज्यादा दुख का क्षण नहीं होता है, लेकिन वो बेटा जो है वो आपका सीना चौड़ा करके गया है, क्षेत्र का सीना। तुम तो बोलवे किए जो मांग है सो, हम आपकी बात सरकार तक ले जाना चाहते हैं। क्या क्या चाहिए आपसे, जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं?
अरे हम चाहते हैं जैसे हमारा परिवार में अजय का दुल्हन का नौकरी हो जाए, पेंशन उसको मिले, हैं बच्चा के लिए जो है सो खर्चा मिले, है ना। और दूसरा सवाल है कि हम भी तो वृद्धा हो गए हैं, हमारा तो भी कुछ मिलना जरूरी है, क्यों मेरा बेटा है, अब भरोसा था उसी पर और अब भरोसा हमारा खत्म हो गया। जी तो ये बहू जो है करिश्मा जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है? वो बीए पढ़ी लिखी, बीए पास हुई है। कहाँ नहर कहाँ हुआ? बाजदा, नवादा। चलिए तो ये तो जायज मांग है, एक ग्रेजुएट लेडी को ऐसे भी सर्विस मिलनी चाहिए, और चूंकि ये शहीद की पत्नी है तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पे ध्यान देगी, और जो डिमांड है एक शहीद के बाप का उस डिमांड की पूर्ति होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। दो नन्हे बालक भी है, एक छोटे बालक को मैंने अभी गोद में दिखाया है, और दूसरा जो है इसे भी कुछ मालूम नहीं है, खिलौनों से खेल रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? श्रियांश है, तो श्रियांश है इसका नाम। और छठुआ इन्हें क्या मालूम छठुआ कि क्या हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ ये दूसरा अजय है, मैंने पहले भी बताया, और हम जन की बात की ओर से सरकार से खुद ये डिमांड करते हैं, खुद ये मांग करते हैं कि इस शहीद परिवार की जितनी भी मदद आप करें वो कमतर होगा। जब करिश्मा जो अजय की धर्मपत्नी है वो ग्रेजुएट है, मैं तो समझता हूँ कि शीघ्रता उनको एक अच्छी नौकरी सरकार को देनी चाहिए, और दोनों बच्चों के पालन का जो जिम्मा होता है वो सरकार को लेनी चाहिए, और जो उनके फादर हैं जो एक आस था अजय की नौकरी से मिले वेतन का, उसका भी पूर्ति सरकार शीघ्र करेगी। और यहाँ के सांसद और विधायक से मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि चूंकि आप सदन में बैठते हैं, आप लोकसभा में बैठते हैं, आप विधानसभा में बैठते हैं, तो आपके क्षेत्र का एक लाल गया है, आप इस मांग को बहुत पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो जनभावना है यहाँ की कि इस पीड़ित और शहीद परिवार को जो मदद मिलनी चाहिए वो अवश्य ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी आपसे निवेदन करते हैं जन की बात की ओर से, और अजय को अंतिम विदाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।